साहिब जी नाह जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया रणवत नानक तिनकी शरणा जिन तू नहीं विसरिया प्रणवत नानक तिनकी शरणा जिन तू नहीं विसरिया श्री हर कृष्ण त्याई श्री हर कृष्ण त्याई श्री हर कृष्ण जिस डिठ सब दुख जाए जिस डिठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे तेग बहादुर सिमरे करनौन दयावै ताए करनौन दयावै ताए करनौन श्री हर कृष्ण दयाईए श्री हर कृष्ण दयाईए वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। बाला प्रीतम रहमतां दे सागर सतगुरु श्री गुरु हर कृष्ण महाराज जी दे मुकद्दस अस्थान रहमतां भरपूर अस्थान महिमामयी अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी की यात्रा कर रहे हाजरियां भर रहे और मीड़ी दे राही इस अस्थान दियां बख्शिशां प्राप्त कर रहे वडभागी गुरु प्यारियो पावन शब्द जिसका मूल पाठ शुद्ध पाठ मान योग सन्मान योग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी साहिब जी की रसना तो आप जी ने श्रवण किया। इस शब्द की विचार नाल जुड़न तो पहला जिमें मान योग सिंह साहिब ने आप जी को बेनती की और तकरीबन रोज़ ही ये बेनती आप जी तक पहुँचाते ने शायद वो इस दुख नू समझते ने कि असी अपनी मात बोली तो साढ़े बच्चे अपनी माँ बोली तो दूर जा रहे ने और उन्होंने आप जी नू ये बेनती की अपनी माँ बोली नाल जरूर जुड़ो और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों खास तौर पर जो कमेटी का धर्म प्रचार विंग है जिदे मुखी ने सरदार करमजीत सिंह जी करमसर जी उन्होंने वालों धर्म प्रचार कमेटी वालों भी इन्होंने दिनों अंदर
तकरीबन बहुत सारे गुरुद्वारों में इतिहासक गुरुद्वारों में भी बच्चों की पंजाबी क्लास का प्रबंध किया गया और उस प्रबंध का सानू लाभ लेना चाहिए। उस प्रबंध दे विच जो सिखाया जाना है उसनू सीखना चाहिए साडे बच्चों नू ते सानू। ये बड़ी अधोगती है कि सिख नू ये गल कहनी पए कि तू उस भाखा नाल जो जुड़ जो तेरी गुरु दी है जो तेरी गुरु ने चुनी है। मेरी चोण ते शक हो सकता है किसी होर दी चोण ते शक हो सकता है पर जिस भाखा नू जां जिस सिद्धांत नू जिस फलोसफी नू रब्बी फलोसफी नू रब्बी ज्ञान बाबा नानक साहब ने परोसिया आप तक पहुँचाया उसी पंजाबी साडे रहत नम्या दे बचन ने गुरमुखी अखर जो है भाई हे भाई जो गुरमुखी अखर ने ना सिख थे सिख ते सीख है जाई गुरमुखी अखर सिख सिख कोलों सीखे। अक्सर सिंह साहब बेनती करते होंगे ने कि साडे विच एक परंपरा सी गुरु दे लड़ लगना वो भी असी सहजे सहजे खत्म करते। वो दे खत्म होने का बेसिक कारण की है कि असी अपनी मां भाख्या तो दूर चले गए। मैं कई बार बेनती करता हिंदी विच गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िया जा सकता पर वाया डायरेक्ट नहीं। इंग्लिश गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िया जा सकता फ्रांस विच पढ़िया जा सकता किसी भी भाषा विच गुरु की बाणी पढ़ी जा सकती। एक तो उहदा उचारण उवें नहीं होएगा जिवें गुरमुखी विच है, यह गल याद रखियो, क्योंकि अल्फाबेट का अंतर है ते कई भाषावां विच ते सिहारी बिहारी की वरतों ही नहीं है। अगर डायरैक्ट गुरु ग्रंथ साहिब नाल जुड़ना वाया नहीं, सानू वाया होने का बड़ी आदत पै गई, भाषा राही भी वाया, संत मंडली राही भी वाया। सिखो ये वाया खत्म करो, ये वाया कौम नू खत्म करके रख देगा। आ जड़े मसंदा राही जुड़ते ने गुरु नाल ये वाया ते वाया विच्चों गुरु जी ने खत्म किया सी डायरेक्ट गुरु नाल जोड़। तो मैं एक बार बेनती की इसे स्थान तो कि वर्ल्ड दियां दो भाषावान ने जिहड़ियां साहित्यक पक्ष तो रिच ने जिन्हां दा साहित्यक पक्ष तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं साहित्यक पक्ष तो गल कर रहा जिन्हें कोलों साहित्यक शब्द ने वोकैबलरी का खजाना है जिन्हें भाषावान दे को वो एक नंबर ते है बंगाली। इन्ने शब्द ने उन्हां कोल इन्ने शब्द ने ते दूसरे नंबर ते तुहाडी भाषा है पंजाबी। शब्दों का भंडार है और जिस भी बंदे ने अपनी गल नू रौचक बनाउणा है उस कोलों शब्दों का भंडार होना चाहिए। एक ही शब्द बंदा बार बार रिपीट करे ना तो गल रौचक नहीं हुंदी। साडी भाषा दे विच इन्ने शब्द ने कि साडी भाषा इन्नी मिठी ते इन्नी रौचक है कि सुनन वाला हैरान हो जाता। मैं दूसरी बेनती करा, भाई गुरदास साहब का एक बचन है आंब की सदर कत मिटत आंब ली खाए। अंब का स्वाद कच्ची अंबी विचों मिल सकता है? जेड़ी कच्ची अंबी है वो पक्के अंब का रस दे सकती है? नहीं दे सकती।
ते पिता को प्यार ना परोसी पे पाई है। मां दा प्यार, प्यो दा प्यार किसे पड़ोसी ते पड़ोसन को मिल सकता है? दसो मिल सकता है? मां गरीब होएगी पर मां दी ममता कदी गरीब नहीं होंदी, मां दा प्यार कदी गरीब नहीं होंदा। तुसी कह सकते हो कि गरीब बच्चे दी मां गरीब है, उहदा प्यार भी गरीब है। मैं ये गल कह सकदा हां कि एक अमीर बच्चे दी मां ममता दे पक्ष तो गरीब हो सकती है। मैं अक्सर देखिया अमीरां दे बच्चे दूसरियां औरतां कोल पलदे ने, समा ही नहीं। ते कदी किसी गरीब पुअर लेडी नूं देखियो, अपना बच्चा पिछे पाया होएगा ते सड़क ते कम कर रही होएगी, पिछे टंगिया होएगा जां अगे टंगिया होएगा। मां गरीब हो सकती है, प्यो गरीब हो सकता है, कदी प्यो दा प्यार भी गरीब हुंदा है। अरे साड़ी ते मां बड़ी अमीर है, मां पाखा बड़ी अमीर है, इहदे वर्गी रिच भाषा केड़ी होएगी? इंग्लिश टैक्निकल भाषा है, साहित्यक भाषा नहीं है, उहदे कोल टैक्निकल है। ते जिस भाखा दे नाल तुहानू जोड़िया वो साहित्यक भाखा है। साढ़े कोल किन्ने शब्द ने, चाचा जी, ताया जी, फुफड़ जी, मामा जी, इंग्लिश विच कोई शब्द है अंकल, अंकल कह के व्याख्या करनी पेगी कि कौन अंकल। फिर तुहानू शब्द वरतने पैणे ना, एक शब्द अंकल वरत्या उहनू स्पष्ट कर ली, फिर शब्दों का सहारा लेना होगा। पर इधर किसी सहारे की लोड़ है? एक शब्द कह दो मेरे चाचा जी ने, गल स्पष्ट है। आप जी के चरणों में बेनती है कि गुरमुखी अखर जो है पाई, सिख सिख थे सीखे जाई। और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाले प्रबंध किया गया, कल परसों तो क्लासा आरंभ ने। और बच्चे गुरमत क्लासा विच, मैं कल भी क्लास लाई मोती बाग, खुश होके आते हैं, खुश होके आते हैं। गुरमुखी अखर जो है भाई, सिख सिख ते सीखे जाई, अवर भी अखर जय कह होई। पाबंदी नहीं है कि तू केवल गुरमुखी सीखनी है, जिवें भाई साहब जी कह रहे सन कि नवाज ली, कुरान ली, अरबी सीखनी पैंदी, वो सिखाउंदे ने। पर असी इस गल वल सुचेत हाँ, अलर्ट हाँ। इस गल ते मान ना करो कि साडा बच्चा इंग्लिश बोलदा है। सब तो वध मान किहदे ते करदे हो? गुरु ग्रंथ साहिब ते। साडे गुरु वर्गा कोई नहीं, ते जे गुरु वर्गा कोई नहीं ते जिस भाषा अंदर गुरु है, जिस लिपि अंदर गुरु है, कि उन्होंने अपनी संतान तक पहुँचाना साड़ा फर्ज नहीं? और प्रबंध होन फिर भी असी उहदा फायदा ना उठा सकीए, तो फिर बाबे दे बचन याद आउंदे ने कि प्रजा अंधी ज्ञान भी होनी, प्रजा अन्नी है ज्ञान तो सखनी है। गुरु कृपा करे असी इधर सुचेत होइए, हार्टली सुचेत होइए, हिरदियों सुचेत होइए। केवल ये नहीं भी भाई साहब जी बेनती कर देन, आप जी सुन लो, नहीं, उस बेनती नूं स्वीकार करो। तुहाडे चरणों च बेनती, नहीं तो आने वाला समा याद रखियो, जिहड़ियां कौमां अपनी भाखा भुल जांदियां ने, ये दुखांत हुंदा कौमां दा। और इस दुखांत नूं गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच अंकित कीता कि घर घर मियां सबना जियां, तुसीं अपनी शब्दावली छड्ड दित्ती, मियां कहना शुरू कर दित्ता। ते अज असीं बाबा नानक साहिब ने कहा सी, हिंदुस्तान संभाल सी बोला, अपनी भाखा संभाल। ते जदों भाई साहिब जी सिंह साहिब जी बेनती करदे होणगे ते बाबा की सोचदा होए
कि मैं तो हिंदुस्तानियों नूं आख्या सी अज मेरिया नूं कहना पै रहा, अज मेरिया नूं बेनती करनी पै रही कि जिस भाषा नूं तेरे गुरु ने चुनिया, जिस लिपि नूं तेरे गुरु ने चुनिया यार, उन्हूं सिख ते लै, अपने बच्चों तक पहुँचा ते दे। गुरु कृपा करे पावन शब्द की विचार नाल जुड़िए। मुबारक शब्द जिसका पाठ आप जी ने गुरु प्यारिया को सरवण किया, गौड़ी महला पहला। गौड़ी राग है साहिब गुरु नानक बाबा जी का, यह उच्चारण किया हुआ शब्द है। क्या डरी है उन्हें, की डरना किसे कोल, उन्हें किसे कोलो की खौफ खाना। डर डरै समाना, जिहड़ा रब कोलो डरदा ते रब विच लीन हो गया, रब विच लीन होया किसे कोलो डरदा नहीं है। रब जी निरभउ है ना, जदों वाहिगुरु जी दीआं खूबियां दसियां गईं, गुणां दी गल कीती गई, क्वालिटियां दी, तो उन्हां विच इक वाहिगुरु जी दी खूबी है कि निरभउ है। जे परमात्मा निरभउ है तो परमात्मा नाल जुड़िया होया भी कदी भय संयुक्त नहीं हो सकता, भय मुक्त होएगा। तो जिहड़ा रब तो डरदा उन्हूं होर कोई डर नहीं हुंदा। जने खने कोलों वह डरदे ने जिहड़े रब कोलों नहीं डरदे। गुरबाणी का बचन मैं तुहाडे सामने रखन लगा, जिन्ना भाओ तिन्ना नाहीं भाओ। सतगुरु कहन लगे जिन्ना नूं रब दा डर है ना, उन्हां नूं होर कोई डर नहीं। जिन्ना भाओ तिन्ना नाहीं भाओ, जिन्हां नूं रब दा डर है उन्हां नूं किसे दा डर नहीं। क्यों नहीं डर? डर दा पता कौन है? जिहदी इनडोर जिंदगी होर है ते आउटडोर जिंदगी होर है। ये गल याद रखियो, जिहड़ा अंदर दी जिंदगी कुछ होर जी रहा है, बाहर दी जिंदगी कुछ होर जी रहा है। उहदी जिंदगी विच इक दुबदा होएगी, एक खौफ होएगा, एक भय होएगा। पर जिहड़ा रब नाल जुड़िया उहदी जिंदगी दो तरह की हो सकती है, कि अंदर कुछ होर होए ते बाहर कुछ होर होए। इहनूं गुरु ग्रंथ साहिब ने इवें अपने विचारां राहीं प्रगट किया, सो डरे जे पाप कमावदा। सतगुरु कहन लगे डरदा ओ जिहड़ा पाप कमावदा। धर्मी विकसेत, विकसेत दंदा खिड़िया होना, डरे हुए आदमी दे चेहरे ते खड़ाओ नहीं होएगा। गुरु ग्रंथ साहिब ने एक एग्जाम्पल दिती, कहन लगे शेर ते बकरी कट्ठे होन, तो शेर बज्जा होए बकरी खुली होए, तो बकरी नूं जिन्ना मर्जी वधिया चारा दिओ वो खाई भी जाएगी पर चेहरे ते रौनक नहीं आएगी। उन्हूं शेर दिखाई दे रहे। जिहड़ा दुनिया के डर विच जींदा है उहदे अंदर हुलास नहीं होएगा, मुरझाया होया, चेहरे ते रौनक नहीं होएगी। तो जिहड़ा रब कोल डरदा है, धर्मी विकसे नानक भगतां सदा विकास वाली उहदी अवस्था हुंदी है। सो डरे जे पाप कमावदा, धर्मी विकसे। ते अक्सर जद भी बंदा पाप करदा लुक के कमांदा है। कदी पुन लुक के कमाया, पुन करके ते बंदा प्रदर्शन करदा, पुन करके ते बंदा दसदा है मैं आ कीता जी, मैं इन्ना दान किया जी। जद भी बंदा लुक के कमाएगा पाप कमाएगा, तो लुक के पाप वो कमाएगा जिहड़ा रब दे भय तो रहत जी रहा है। जिन्ना भाओ तिन्ना नाहे भाओ, मुझ भाओ निपवियां। मुझ वड्डा भाओ डर खौफ,
ने भवया जेड़े रब तो डर के नहीं जींदे उन्होंने दुनिया का वड्डा डर व्यापद है। तो दूसरे बन्ने पैवन जीव है बहुत बहुत गुरु ग्रंथ साहब बाबा नानक साहब कह लगे बंदा भै तो बिना बड़ा लम्मा जी सकता है, बड़ा लम्मा जी सकता है। रब नू विसार के रब नू भुला के उहदी जीवन शैली पता की होवेगी, जीवन पद्धति की होवेगी, उहनू गुरु ग्रंथ साहब ने अपनी बाणी विच लिखिया। कह लगे हट पट्टन बिज मंदर भन्नै कर चोरी घर आवै। दुकाना तोड़िया, मंदिर तोड़े, दिल तोड़े, ये सब कुछ किया। ये किया किने? जिहड़ा रब नू मन्नदा ते सी पर उहदा फेथ ये नहीं सी भी रब देख रहा है, सद सुनन दा सद देखदा। मैनू खिमा करो साडे वर्गे आदमी भी आखदे ने कि परमात्मा सदा सुनदा है सदा देखदा, पर साडे वर्गे मैं अधिकतर देखे ने ना रब दा डर ना गुरु दा डर, खौफ ही नहीं। हुण गुरु ग्रंथ साहिब दसदे ने जिहड़ा रब तो डर के जींदा वह लम्मा जी सकदा। औरंगजेब लम्मा जिया वा, पर जीवन की सी? घोख के वेखो, पड़ताल के देखो, अंदर कुछ सी? पैवन जीव है बहुत बहुत खुशियां खुशी कमाहे। रब दे डर नू छड के बंदिया तू विकारां विच पै के कई तरह दियां खुशियां माण सकदे फिजिकल लैवल ते। ते नानक पैवन जे मरे, हे नानक जेड़ा बंदा रब दे भौ तो बिना मरद है, रब को डरदा नहीं है। मैं कई बार बेनती करदा रब नू मनना गल होर जे, जानना गल होर जे। जेड़ा लोगां नाल छल कपट फरेब धोखा कपट करता है, विद मी कोई भी आ, वो रब नू जानदा? रब नू जानन वाले दे जीवन में तब्दीली आउंदी है। ते खिमा करो जे मत्था टेक के भी बाणी पढ़ के भी जीवन में तब्दीली नहीं आई, छल उत्थे आ, कपट उत्थे आ, धोखा उत्थे आ, ईरखा उत्थे आ, दवैशता उत्थे आ, फिर जिहड़ा नहीं मन रहा ते जिहड़ा मन रहा उहदे विच कोई अंतर है? मैं कहना जिहड़ा मन रहा ते जीवन तब्दील नहीं कर रहा वह उहदे नालो किते बदतर जी, जिहड़ा रब नू नहीं मन रहा वह इवें आ जिवें कोई सुहागन होकर दुष्कर्म करे। सिर ते स्वामी है फिर भी कंट्रोल नहीं है, फिर भी संजम नहीं है। गुरु नानक पिता कह लगे नानक पैवन जे मरै, याद रखी जे रब दे खौफ तो बिना जी के जाएगा ते मरेगा। मूह काला उठ जाहे, तेरा मूह काला होएगा, तू दागी होवेगा। ते गुरु ग्रंथ साहब ने दागियां दी मुतलक पता की कहा? कह लगे दाग दोष मुंह चलिया लाए, दरगा बैसन ना ही जाए। जिहड़ा दागी आदमी है, कलंकत आदमी है, उन्हों जो कोई बंदा अपनी पार्टी विच नहीं लेंदा, आवाजा उठदियां ने कड्डो बार कड्डो बार कड्डो बार, हुंदा ना राजनीति दी दुनिया देखो। हालांकि ये दाग केवल एक दो दे प्रगट होए ने, बाकियां दे छिपे होए। रब दे घर ते सब कुछ प्रगट ही आ ना, अगों देखा पिछों तुझते कहां छिपावे। नानक पैवन जे मरे मूह काला उठ जाहे, ते जेड़े रब दे खौफ विच जींदे ने। मैं भाई गुरदास साहिब दा एक बचन पढ़िया, कह लगे सर्प कै दराश शरण गह खगपत जाए। बंदा सप तो डरदा गरड़ दी शरण चला जाए। हिंदू वीरां दा गरड़ भगवान है, एक पंछी है। उहदे विच खूबी पता की है कि जिथे गरड़ होएगा ना उत्थे सप नहीं होएगा,
गरण मुख नहीं सर्प त्रास। गुरु ग्रंथ साहब एक गारडू मंत्र भी हुंदा है, वो गरड़ तो ही बनेगा। जिथे गरड़ होएगा पंछी उथे सप नहीं आएगा। ते भाई साहब कह लगे सर्प कह तरा शरण गह खगपत जाए। सप तो डरदा बंदा गरड़ दी शरण चला जाए। तहां जो सर्प ग्रस है कहो कैसे, जे उथे भी सप ने डंग मार देना। भाव ये ते हो सकता है कि गरड़ दी शरण गया सप डस जाए, पर यह नहीं हो सकता कि जिन्हें प्रभु दी शरण गई है उन्हों खौफ दा जिहड़ा सप है डंग मार जाए, वह नहीं डरता। सब तो वड्डा डर पता की हुंदा है, वड्डा डर मौत दा। ये गुरु ग्रंथ साहब ने मनिया, भै मरबे को बिसरत नाहीं। गुरु तेग बहादुर कह लगे मरण का डर खत्म ही नहीं होता। भै मरबे को बिसरत नाहीं, ए चिंता तन जारा। जिहड़ा रब नाल जुड़िया वह कभी मौत को डरिया। अज गुरुद्वारा ज्ञान प्रकाश मेहता विखे 84 च समय जिहड़े शहीद होए संत जरनैल सिंह जी, बाबा थारा सिंह जी, भाई शुभेग सिंह जी, की खौफ सी, जिन्हों खौफ सी हथ खड़े करके आ गए। खौफ की व्याख्या उत्थे भी हुई है। एक ओ सन जेडे गुरु की सच्ची अजमत नू समर्पित सन। रब नू समर्पित होया आदमी नहीं डरता। जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी, तिनका भउ सब गवासी। जिन्होंने निरभउ नू त्याया उन्होंने सारे भय खत्म। जिवें शरण गया सप दी गरड़ दी सप नहीं डंग सकता, जिहड़ा गुरु दी शरण है उन्हू किसी तरह का खौफ नहीं सता सकता। वो किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने लिए तैयार होंदा। मैंने एक इस मंच तो गल कह दिया, आ जिहड़े सानू कहिंदे ना 84 भुल जाओ, नवंबर भुल जाओ, मैं एक सिंह साहब जी एक मैं स्टोरी पढ़ी। नशेरवा बादशाह होया नशेरवा, जिन्हें बगदाद वसाया सी। ये गुलस्तां बोस्तां विच स्टोरी लिखी है कि नशेरवा जो स्टूडेंट सी पढ़दा सी ते उहदा टीचर आया घोड़े ते सी। पुरानी बात है, नशेरवा दरखत दे थल्ले बैठा है पढ़ रहा है। उन्हें आके ना नशेरवा दे दो तीन लप्पड़ कड मारे टीचर ने, सियाणा सी। नशेरवा बर्दाश्त कर गया, बच्चा सी, समा गुजरता गया। ये बड़ा लियाकतवान बच्चा साबित होया। जदों ये अपने पिता की चेयर ते बैठा, गद्दी ते बैठा, नशेरवा जिन्हें बगदाद बछाया, जिथे बाबा नानक भी कहे, इनू पुछया गया शाह आलम आप जी का पहला हुक्म की हुक्म। इन्हें तख्त पर बैठदिया ही कहा कि फलाने टीचर नू मेरे अध्यापक नू गिरफ्तार करके लिया जाए। इस पावन मंच तो मैं इस कहानी राही रियलिटी बता रहे। लोगों नू पैरां विच रोलण वाले हो, बच्चियां नू रोलण वाले हो, सत सौ किसानां नू मारन वाले हो। कदी हिंदुस्तान की सच्चाई देखियो भी हुंदा की आ। नशेरवा के सामने बजुर्ग जिहड़ा अध्यापक सी पेश कीता गया, वह बजुर्ग अध्यापक हस पिया। नशेरवा कह लगा उस्ताद जी हसे क्यों? कहिंदे मैनू पता सी भी एक दिन ये मेरे नाल होना है, होना।
ते मैनू तू दस भी तू ये मेरे नाल क्यों कर रहे हैं, मैनू क्यों जकड़िया, क्यों पकड़िया, मैं ते तेनू तलीम दिती इत्थे तक पहुँचाया। खिमा करियो असी कदी तलीम देण वालियां दी भी विरोध च हो जाने, साडी अधोकती है। असी अपने जड़ा जख्म है ना उहदी वकालत करते हैं। अगर मैं अपने जख्म की वकालत करा, अपनी बीमारी की वकालत करा, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। मन लो सिंह साहब मेरा कोई जख्म दस रहे हैं, मैं कहां नहीं मैं ठीक हाँ, मैं ठीक हाँ, नहीं, अपनी बीमारी की कभी वकालत ना करो, अपने औगलों की कभी वकालत ना करो। जे मैं ही अपने औगलों की वकालत करांगा तो कौन मिटाएगा, स्वीकार करो। वो कह लगा मैं दरखत दे थले बैठा पढ़ रहा सी, तुसी उतरे घोड़े तो चार पांच लपड़ मेरी गल ते जड़ दिते, मैनू गल नहीं भुली। नशेरवा दा टीचर कह लगा बादशाह मेरे हाथ दा ते तेरी गल दा गहरा संबंध है, मैं तेनू कितने एक बार ही लपड़ मारे ने, बड़ी बार मारे ने, पर पुत्रा तेनू एक ही क्यों याद है। कह लगा उदो मेरा दोष कोई नहीं सी, मेरा कसूर कोई नहीं सी। कह लगा बस बेटे गल याद रख, ये तख्त ते बैठ के बेकसूरिया नू ना मारे, लोग भुलणगे नहीं, लोग भुलाउणगे नहीं। मैनू पता सी तू तख्त दा वारस होना, और अक्सर लोग तख्त दे मध अंदर बेकसूरिया नू मारदे ने। बीबी ने मारिया ना, तुसी जिन्नी देर तक सिख कौम है इस नू भुल सकदी है, कानो मन सम भुल गए, चप्पड़ चिड़ी भुल गए, असी सरहंद भुल गए। जद भी बेदोशे नू मार पाएगी नहीं भुलिया जाएगा, नहीं भुलिया जाएगा। तुसी ते अज तक राम नू नहीं भुले, भुले हो, लखां करोड़ों रुपये ला के खड़ा कर दे हो फिर अग ला देंदे हो, और वो सिख भुल जान जिन्हां दे गलां विच टहर पाए गए। मैं कई बार बेनती की कि गुरु तेग बहादुर साहब के सामने दो सिख साड़े गए से, एक रूम विच बन के एक देग विच उबाल के साड़े गए ना, उन्हां सिखां दा दोष की सी? केवल यह सी गुरु दे नाल जुड़े ने, उन्होंने गुरु का लड़ नहीं छड़िया, गुरु का पल्ला ऑप्शन सी। औरंगजेब चाहुंदा की सी मैं गुरु तेग बहादुर साहब नू कह दिया देख तेरिया ने तेरा साथ छड़ दिता है, पर गुरु तेग बहादुर साहब कह लगे औरंगजेब तू छड़ मेरे बदलन की गल, तू मेरिया नू बदल के दस, मेरिया नू चेंज करके दस। उदो दो सिख साड़े गए, अज भी शहीदी दिहाड़ा मनांदे उन्हां दा, अज भी पावन स्थान ते जाके मत्था टेकदे शरदा बस। ते 84 दे समय चलो संत बाबा जरनैल सिंह जी महापुरख जां उन्हां नाल जिन्ने भी उन्हां दे हमायती सन उन्हां नूं किसी भी एंगल तो सरकार पेश कर सकती है, सरकारी तंत्र है, अज भी पेश किया जाता है चंगे अक्ष वालियां नूं जां चंगी सोच वालियां नूं, क्योंकि जिन्ना भी तंत्र है उन्नू भुख है मनी दी, उन्नू भुख है अपने स्टेबल होने। जिस बंदे नूं अपने स्टेबल होने की भुख होएगी ते मनी दी भुख होएगी, खिमा करियो वो किसी भी हद तक जा सकता है। जिन्हों पदवी की पकड़ होएगी ते जिन्हों मैकी पदार्थां दी जिदे अंदर अत दी होड़ होएगी, मैं अत दी होड़ दी गल कर रहा, वो किसे लिए भी किसे हद तक जा सकता है, गिर सकता है। चलो साडे सूरबीरां जिन्हां ते साडा रब वर्गा विश्वास है, जिन्हां दी मुतलक असी आखदे हां
जिन्हां दे बचन असी पढ़दे हाँ कि शरीर का मरना मौत नहीं हुंदी, बंदे दी जमीर का मर जाना असल मौत हुंदी। मैं बेनती करा जद बंदा बदलदा है ना उदों मरदा, जे जिहड़ा बदलदा नहीं है अपने इरादे ते दृढ़ हो के शहीदी का जाम पी जांदा वो ते अमर हो जांदा। अज भी देख लो जिन्ने लोग बदले ने, राजनीति दुनिया विच्चों बदले ने, धर्म की दुनिया विच्चों बदले ने, मरे ने, जिहड़ा अपने अकीदे ते गुरु फिलोसफी ते गुरु दर्शन ते गुरु सिद्धांत ते गुरु सोच ते गुरु दे पाए हुए पूर्णियां ते दृढ़ता दे नाल पैरा दे के जिन्हें शरीर छड्ड दिता वह तो साडा शहीद हो गया, उमरे नहीं आ। जिहड़ी साडी लाइब्रेरी साड़ी गई वह अतवादी सी लाइब्रेरी, उहदे च किताबां ने सालटां चक्कियां सी। साडा इक वड्डा खजाना जिहड़ा सी फौज वल्लों तबाह कर दिता गया। मैं बेनती करा मानसिक तौर पर बच्चियां नू पीड़ा विच्चों गुजरना पिया, काल तख्त नू देख के जिन्होंने देखिया हिरदे वलूंद रह गए। कौम ने एक मानसिक पीड़ा सही 84 तो बाद, फिर एक कौम ने होर मानसिक पीड़ा सही उसी 84 दंगियां तो बाद, और अज तक असी उस मानसिक पीड़ा दे विच्चों गुजर रहे हैं। न्याय ना मिलने कारण दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जतन करके थोड़ा बहुत जिहड़ा न्याय झोली च पिया, वरना कौम का आर्थिक पक्ष तो नुकसान होया, साहित्यक पक्ष तो नुकसान होया, कौम का शरीरक पक्ष जानी नुकसान होया, माली नुकसान होया। और ये मैं बेनती करा मस्कीन जी एक गल क्या कर दे सन, घट गिनतियां नू मैनोरिटी विच जीण वालियां नू बड़ा सुचेत होके जीना पैंदा, और जदों भी मैं समूह संगतां दे चरणा च बेनती करदा जदों भी बेदोशे नू मार पएगी ना भुलेगा कदी नहीं, लख कहो भुल जा नहीं भुलेगा। मेरा दोष की सी, साडी गलती की सी, इस हिंद की अजमत नू बचाउण ले सब तो वध कुरबानियां करन वालियां दा ए हसर आना। एक भारत जोड़ो यात्रा कीती गई, मैं जदों इहदे परिपेक विच समझदा ना लोड़ क्यों पई, अज तक लोड़ पई सी इस यात्रा की, कदी लोड़ पई सी। जिहड़े कदी कहिंदे सी ना कि वड्डा दरख्त गिरदा है ते धरती हिलदी, अज उहनां नूं अपनी धरती नहीं लभ रही, लभ रही है। जे धरती मौजूद हुंदी ते फिर जोड़न दीआं गल्लां ना हुंदी। कदते दा न्याय है, बंदा मिट सकदा है, बंदे दा न्याय इहदा अन्याय इहदे शरीर नाल जा सकता है, पर करते दा न्याय ते सदीवी हुंदा जी। श्री गुरु नानक पिता अज फरमाउंदे ने, कहन लगे जिहड़ा क्या डरी है रब कोलों डरदा है, जिहड़ा जीव डर डर है वह रब कोलों डरदा होया रब विच लीन हो जांदा है। बाबा कबीर जी ने कहा मन ना डिगै गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मिर्ग साला बैठ बैठे कबीर। जो गंगा में सुटिया गया कह लगे मन ना डिगै तन काहे को डराए, यार मन ही नहीं डर रहा, मेरे शरीर नू तसीहे दे के फायदा की है। ते पुछिया कबीरा तू डरदा क्यों नहीं, कह लगे चरण कमल चित रहो समाए, मेरा चित परमात्मा के चरणा में है। डिंगन डोला तौ लो जो मन के भरमा, भ्रम काटे गुर अपने पाए विश्रामा। बाबा कबीर कह लगे मन न डिगै तन कहे को डराए, चरण कमल चित रहो समाए।
हजूर फरमांदे ने अज क्या डरिया डर डर समाना पूरे गुर कै शब्द पछन। सहज पाठ करने वाले हो महापुरखो, हुण जो सहज पाठ जिहड़े करदे हो ना, एक कलम लै लिओ, नोटबुक लै लिओ, ते गुरु ग्रंथ साहिब विच्चों दो शब्द केवल नोट करिओ। महाराज जी की समुची, एक पूरा गुरु, एक अपना गुरु। सैकड़े प्रमाण होणगे कि पूरे गुरु सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब, जिदे लड़ सानू गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने लाया, बाबे नानक साहिब ने लाया। पूरे गुर कै शब्द पछाना, पछाणदार तुंदा है जान पहचान डूंगी सांझ। जिन्होंने पूरे गुरु के शब्द विच जुड़ के परमात्मा नाल डूंगी जान पहचान बना ली, ओ नहीं जे डरदे, उन्हां दी खलड़ी विच कोई खौफ नहीं हुंदा। बाबा नानक साहब ने कहा सी कि मेरे जहन अंदर परमात्मा तेरा डर है, बस इस डर ने सारे डर भुला दिते। पहली पंक्ति है जिन अकथ कहाया, गुरबाणी का यह फैसला परमात्मा नू पूरा कहा नहीं जा सकता, पूरा बयान नहीं किया जा सकता। मसकीन जी एक लौचिक दया करते सन, जे पूरा कहा जाए तो यदा अर्थ है जो कहा गया वह ज़्यादा, जिन्हों कहा गया वह थोड़ा। रब पूरा बयान नहीं हो सकता, पर यदा अर्थ है नहीं भी बयान नहीं करना। सारी दुनिया की दौलत बंदा इकट्ठा एक नहीं कर सकता, पर लोग जतन नहीं करते भी वध तो वध इकट्ठी होए। बाबा जी कह लगे वो अकथ है, उन्हें पूरा बयान नहीं किया जा सकता। वाहिगुरु जी जू पूरा कहा नहीं जा सकता, पर जेडे कहिंदे ने अप्यो वो अमृत पींदे ने, पी आया आप पींदे ने। सतसंगत विच बैठ के अमृत ते होरना नू ओ नाम अमृत वंडदे ने। मैं भाई गुरदास साहब का एक बचन पढ़िया, कहन लगे खुले से बंधन बेखे भलो है सचाने जाते। आजादी दे नालों जिहड़ा बाज है ना वो पिंजरे विच ही चंगा जे। हर बंदा आजादी चाहता है, पंछी आजादी चाहता है, पर बाज पिंजरे विच ही चंगा है। जिन्नी देर पिंजरे विच है दूसरियां जीवां नू मारेगा नहीं, उहदे ते पाप नहीं चढ़ेगा। खुले से बंधन बेखे भलो है सिचाने जाते, जीव घात करे ना बेकार होए आवी। खुले से बंधन बेखे चकवी भली है जानते, जिहड़ी चकवी है आजादी नालों बंधन विच ही चंगी। कई जगह ते बंधन चंगे होंदे ने। खुले से बंधन बेखे चकवी भली है जानते, राम रेख नेश मेट निया निष्प्रिया संग पाव ई। चकवी नू कहिंदे सराप सी राम दा भी तुसी रात कदी इकट्ठे नहीं होवोगे, ते उन्हां नू पकड़न वाला दिने पकड़दा, रात ओ मिलदे नहीं। चकवी जो निसबीसर है दिने पकड़दा, कल्ले बैठे होंदे ने, दोनों नू पिंजरे विच कैद कर दिंदा। कहन लगे आजादी नालों चकवीली पिंजरा चंगा, अपने चकवे नाल ते रहिंदी आ ना। खुले से बंधन वेखे भलो है सूआ प्रसिद्ध। भाई जी गुरदास जी साहब जी फरमाते ने भी आजादी नालों जिहड़ा तोता है ना, तोता वो पिंजरे विच ही चंगा जे। पता क्यों? जिन्नी देर वो पिंजरे दे विच है, राम राम सुनदा, फिर जपदा, उहदा दरवाजा खोलो, फिर उन्हों कहो भी राम कह, फिर जपेगा। भाई साहब कह लगे आजादी नालों तोता पिंजरे विच चंगा, शायद इसे लिए भगत साहबाना ने बचन किते, तू पिंजर वाहिगुरु तू मेरा पिंजरा वा, हो सूअटा तोर। पिंजरे विच पे पंछी नू ना बिल्ली का खतरा, ते दूसरा लाभ कि वह राम राम जपदा। आजादी नालों तोता पिंजरे विच ही चंगा, कह लगे तैसे मोख पदवी से मानस जन्म भलो, मुक्ति दे नालों मनुखा जन्म चंगा जे चंगा जे चंगा जे। पर एक शर्त है,
कि गुरमुख होवे वाहिगुरु का नाम जपण वाला होवे सतसंगत विच आउण वाला होवे आप जपण वाला होवे होरनां नूं जपाउंदा होवे तैसे मोख पदवी से मानस जन्म भलो गुरमुख होवे साध संग प्रभ त्यावी। कह लगे मैं कुरबान आना तो जेडे आप जपदे ने जन नानक धूड़ मंगै तिस गुरसिख की जो आप जपै अवरै नाम जपावै जिन अकथ कहाया अप्यो पी आया अन्न पै विसरै नाम समाया। जिहड़ा वाहिगुरु दे नाम विच लीन हो गया उहदे सारे भय खत्म हो गए उहदे हर तरह का खौफ खत्म हो गया। पौ तेरा भांग बाबा नानक साहब कह लगे मैं भंग पीना वा पर मेरी भंग वह नहीं है जेडे लोग पीते ने मेरी भंग है तेरे भै दी। पौ तेरा भांग खलड़ी मेरा चीत ते भंग पीण वाला दीवाना हो जाता लत्थी जड़ी कोई नहीं ते जेडे भंग पीण वाले नशा खाण वाले नूं अपनी गुथली विच नशा भी रखते ने पता नहीं कदों लोड़ पै जाए कदों टोट आ जाए। तो बाबा नानक साहब कहन लगे बाबर मैं चित दी गुथली विच चित दी डब्बी विच ख्यालां दी डब्बी विच परमात्मा दे पैर दी भंग रखी आ उन्हें मैनू बेपरवाह कर दिता ते जेड़ा रब दे डर विच समा गया उन्हूं कोई होर डर नहीं व्यापदा। जिस नर नाम हृदय हर रास जिस भी बंदे दे हिरदे विच प्रभु दे नाम दी रास है। मैं गुरु तेग बहादुर साहब दे सलोक पढ़दे दो सलोक ने जे घट सिमर राम को सो नर मुक्ता जान ते नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। जिदे हिरदे विच प्रभु रब ते दूसरे बन्ने एक भगत भगवान जे प्राणी कै नाहे मन जैसे सूकर सुवान। जिदे हिरदे विच वाहिगुरु नहीं वह कुत्ते दे बराबर वह सूर दी तरह ते जिदे हिरदे विच वाहिगुरु जी का नाम है सह सुभाए मिले साबास वह आत्मक अडोलता विच प्रभु दे मिलाप का आनंद हासिल करता है ते वाहिगुरु जी उन्हूं थापड़ा दिंदे ने जाहे सवार सांझ बियाल जाहे जिसनू सवारे वाड़ के रखद लिपाईमान करके रखद सांझ बियाल सवेरे ते शाम जिस परमा जिस वाहिगुरु दी कृपा दे नाल बंदा माया तो बचद जद ओ नदर उपठी करद ते जीव दिन रात माया दे ख्यालां विच ही प्रवर्त रहिंदा माया दी चितमनी विच ही रहिंदा है। अगे हजूर फरमांदे ने इत उत मनमुख मनमुख वह है जिहड़ा सवेर शाम माया दी चितनी विच विकारां दी चितमनी विच जी रहा है जिहदे चेते विच माया कर कर गई जिहदे चेते अंदर विकार कर कर गए। काम शरीर का करे उसारू है जद चेतना विच आ जाएगा तो विकारू हो जाएगा। माया लोड़ का करे उसारू है तो जब बंदा माया ली जीना शुरू कर दे तो माया जड़ी है नकारात्मक हो जाएगी। तो हजूर अगे फरमाते ने यह मनमुख दिन रात माया के झुरोखियों में बदा रहा है एनस नाम एनस राम हृदय से पूरे। कह लगे वो पूरे ने जिन्हों के हृदय में प्रभु का नाम है प्रभु की बंदगी है वह डोलते नहीं नानक नाम मिले भ्रम दूर है। हे नानक जिन्हों वाहिगुरु जी का नाम मिल जाता है ना वो भटकना खत्म हो जाती है जिन्हों नाम मिल जाता है वह डोलना खत्म हो जाता है जिन्हों इसलिए शायद महाराज ने बार बार नाम मंगया कह लगे मैं तेरे को नाम की दात मंगदा बाकी जो भी मंगागा उहदे नाल स्थिरता नहीं मिलेगी टिकाओ नहीं मिलेगा सहज नहीं मिलेगा। बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया अज तक टिकाओ नहीं मिलिया
टिकाओ मिलना वाहिगुरु जी के नाम नाल। इन्ने कु बचन प्रवान करने। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु ग्रंथ साहिब बाला प्रीतम आप संगतां दा। होइया भुल्लां खिमा करनिया बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।